राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, नई खूबसूरत सुबह के साथ। दोस्तों, अभी बज रहे थे सुबह के लगभग 7, और दोस्तों आज हमारे यहाँ पे चूल्हे पर ही चाय बन रही है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो गैस सिलेंडर है खत्म हो गया है। और दोस्तों, इतनी जल्दी हम गैस सिलेंडर ला नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं। हमारे हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, आपको पता ही है, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो सभी जानते हैं कि हमारे हालात अभी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसी के चक्कर में यहाँ पे चूल्हा जलाना पड़ता है। वैसे तो हम सर्दियों में चूल्हा जलाते हैं, और सर्दियों में ही चूल्हा जलाना अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों ठंड भी नहीं लगती है और रोटी भी अच्छी लगती है। चूल्हे की जो रोटियां होती हैं वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो लेकिन गर्मियों में क्या करें, मजबूरी होती है, बहुत गर्मी लगती है। और नीरज जी शहर से हैं तो उतना अभी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने संभाल लिया है। गाँव में आकर बहुत सारी चीज़ सीख चुकी हैं, तो इसी वजह से चूल्हा वगैरह सारा कुछ कर लेती हैं। लेकिन गर्मी बहुत लगती है चूल्हे पर, आप जानते ही हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी चाय बनके तैयार हो गई है, और बच्चों को नीरज जी यहाँ पे करके दे रही हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो जाता है चाय बनने में यहाँ पे चूल्हे पर, लेकिन चाय बनती बहुत ज़्यादा मस्त है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो छोटी बेटी है वो यहाँ पे चाय पी रही है, और बड़ी बेटी भी चाय पी रही है। और मैं गौशाला की तरफ सानी वगैरह कर आया था, पशुओं को चारा वगैरह डालकर आया था, क्योंकि दोस्तों घर के काम नीरज जी संभाल लेती हैं, मैं बाहर के काम संभाल लेता हूँ, तो जल्दी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों चूल्हे पर वैसे भी काफ़ी लेट हो जाते हैं, गैस पर तो ये होता है कि एक तरफ सब्जी बना लो, एक तरफ रोटी बन सेक लो, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूल्हा तो एक ही है, तो उस पर एक ही बार में एक ही चीज़ का एक ही काम होता है। और नीरज जी आज यहाँ पे आलू की आज सब्जी बना रही हैं, देसी तरीके से आज सब्जी बनाएंगी। तो सलौटा बटना पर जो भी मसाले वगैरह हैं, सलौटा बटना पर पीसती हैं, क्योंकि दोस्तों सलौटा बटने की बात ही कुछ अलग होती है। उससे अगर सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, और वैसे सब्जी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो दोस्तों एक तरफ यहाँ पे नीरज जी अपने मसाले वगैरह पीस रही थी, और हमारी जो बड़ी बेटी है वो सब्जी में तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि दोस्तों नीरज जी उसे साथ साथ सिखा रही हैं, सारी सब्जियाँ बारी बारी से सिखा रही हैं कैसे क्या बनता है। तो आज पतले आलू की सब्जी बन रही थी, तो यहाँ पे नीरज जी आज पतले आलू की सब्जी यहाँ पे सिखा रही हैं, क्योंकि दोस्तों जब ससुराल जाएगी तो फिर पहले से सब कुछ सीख जाएगी, तो फिर रहने नहीं आएंगे उसको। इसलिए नीरज जी यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की सिखाने की कोशिश करती हैं। और लड़कियों को उसकी माँ ही पहली टीचर होती है, पहली अध्यापिका होती है, सिखाना सब कुछ उसके हाथ में होता है। क्योंकि दोस्तों लड़कियों को खाना बनाना जरूरी होता है, ससुराल जाए कहीं जाए उसे खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो एक तरफ यहाँ पे नीरज जी यहाँ पे आलू दे रही थी, और दूसरी तरफ यहाँ पे पिंकस अपनी मम्मी की हेल्प करा रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी वगैरह दे के यहाँ पे सब्जी को तड़का लगा दिया है अभी। तो दोस्तों सब्जी जल्दी जल्दी यहाँ पे नीरज जी ने बना के फिर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। और आज दोस्तों हमारी पानी की रोटी बन रही है यहाँ पे, आप देख लो, क्योंकि दोस्तों चूल्हे पे अगर रोटी बनती है तो पानी की रोटी ना बने तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पानी की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो इसी वजह से आज पानी की रोटी नीरज जी ने बनाई। तो जल्दी जल्दी रोटी वगैरह बना के, क्योंकि दोस्तों सुबह मुझे तो काम पर जाना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी सारी रोटी वगैरह बना लेती हैं। बाद में भले से ही चाहे रोटी बनानी पड़ी, लेकिन आज तो शायद लगभग पूरी रोटी बना ली थी, क्योंकि दोस्तों चूल्हे पर बहुत जल्दी मोटी मोटी जो रोटी होती है पानी की वो बन जाती है, तो इसलिए रोटी जल्दी बन जाती है। तो दोस्तों रोटी वोटी बनाकर नीरज जी अभी आ गई हैं, अपनी पूजा पाठ करेंगी, क्योंकि तो लड्डू गोपाल को भी तो देखना होता है, उनको भी बच्चे की तरह रखना पड़ता है दोस्तों, सारे काम बच्चे की तरह करना पड़ता है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी सारे काम करने पड़ते हैं, तो उनको खुद नहाकर पहले उनकी पूजा पाठ करनी होती है। तो नीरज जी ने अभी लड्डू गोपाल को यहाँ पे जो भी है नहलाना धोलाना वो कर लिया है, और अब यहाँ पे अपने बाल वगैरह जो हैं वो सुखा रही हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, सर्दी बहुत जल्दी उन्हें लग जाती है, तो इस वजह से शायद अपने बाल बहुत सुखा रही हैं। अब यहाँ पे आप देख लो अभी लड्डू गोपाल की यहाँ पे पूजा वगैरह करेंगी, क्योंकि दोस्तों उनको लड्डू गोपाल के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी करती हैं, तो शायद मेरे हिसाब से मंदिर जाएंगे आज, तो उसी की तैयारी कर रही हैं। तो मैं तो दोस्तों काम पर चला गया था, और नीरज जी और पिंकज जश्न भी तो घर पर रह गए थे, क्योंकि दोस्तों आज बच्चों की छुट्टी थी, आज सोमवार था और शनिवार से सोमवार तक छुट्टी रहती है, तो वही यहाँ पे नीरज जी जाने की मंदिर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों सारी तैयारियां कर ली थी, अब यहाँ पे नीरज जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मावर वगैरह रख रही थी, क्योंकि दोस्तों गांव में लेडीजों का जो मुख्य श्रृंगार होता है वो मावर रखना ही होता है, इसी वजह से गांव में लेडीज जरूर मावर जरूर रखती हैं, उसके बिना तो श्रृंगार अधूरा होता है। तो जल्दी जल्दी नीरज जी ने श्रृंगार कर लिया, उसके बाद मंदिर चले गई, क्योंकि दोस्तों आज सोमवार था और सोमवार को नीरज जी जरूर जाती हैं, अभी सावन चल रहे हैं तो सावन में जल वगैरह जरूर चढ़ाने जाती हैं, तो वहीं पर नीरज जी चली गई।
तो दोस्तों जल्दी सी ना जल वगैरह चढ़ा के नीरज जी आगे घर पे, क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल घर पे अकेले थे और उनको भूख भी लग रही थी। तो सबसे पहले उनको भोग लगाया, उसके बाद माथा टेका, उसके बाद दोस्तों अपने जो घर के काम है उसमें लग गई। क्योंकि दोस्तों जो लाई उस दिन आपने देखी थी, लाई हमने फटक कर नीरज जी ने रखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा गंद थी, तो पानी से नीरज जी ने इसको धो लिया था। और अब इसको सूखने डालेंगे नीरज जी, क्योंकि दोस्तों अब थोड़ी तो सूख गई थी उस दिन, लेकिन थोड़ी और उसमें नमी रह गई थी। तो वही यहाँ पे आप देख लो पूरी धोती में बांध कर नीरज जी ने रख दी थी, तो अब यहाँ पे इसको सूखने डाल देंगे। फिलहाल दोस्तों नीरज जी की आज के सारे काम खत्म हो गए हैं, अब यहाँ पे इस वाले ब्लॉग को हम यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।